अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हो तो आपने कॉन्जरिंग का नाम तो जरूर सुना होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में कॉन्जरिंग 3 का ट्रेलर रिवील हुआ है और जून में इस मूवी के रिलीज होने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बाकी कॉन्जरिंग की तरह कॉन्जरिंग 3 भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक व्यक्ति ने अपने मकान मालिक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और अपनी सफाई में उसने सिर्फ एक ही चीज को बार बार दोहराया, डेविल मेड मी डू इट, यानी कि ये हत्या उसने शैतान के कहने पर की थी। अब सवाल ये उठता था, क्या ये वाकई में सच बोल रहा था या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी जो उसके द्वारा बनाई गई थी। वेलकम टू बी स्मार्ट। आज हम बात करने वाले हैं यूएस के इतिहास के पहले ऐसे केस के बारे में जिसमें क्रिमिनल ने अपने जुर्म के लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराया था। 16 फरवरी 1981 को आर्नशैन जॉनसन का अपने मकान मालिक एलन बोनो के साथ झगड़ा हो जाता है और इसी के चलते आर्न एलन को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। पहली नजर में ये केस एक ओपन एंड शट केस दिखता था, लेकिन अरेस्ट होने के बाद आर्न एक अजीब दावा करता है, द डेविल मेड मी डू इट, यानी कि उससे ये सब शैतान ने करवाया था। ब्रुकफील्ड के 193 सालों के इतिहास का ये पहला मर्डर था और इससे पहले आर्न जॉनसन बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के एक आम टीनेजर था। लेकिन इस मर्डर से पहले ही आर्न के साथ बहुत बुरी चीजें हो रही थी और सिर्फ आर्न ही नहीं, उसके साथ साथ उसकी फियांसे डेबी ग्लेटसल के भाई 11 साल के डेविड ग्लेटसल के साथ कुछ भयानक चीजें हो रही थी। बात एक साल पुरानी 1980 की गर्मियों की है। डेविड को एक बूढ़ा आदमी दिखने लगा जो उसे चिढ़ाता था। शुरू में तो आर्न और उसकी मंगेतर उसका यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता कि डेविड घर के कामों से बचने के लिए झूठी कहानियां बना रहा है। लेकिन धीरे धीरे इन घटनाओं के ओर बढ़ने से ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा था। डेविड अचानक से चीखते हुए उठता था और एक आदमी जिसकी काली आंखें और पतला चेहरा था और जिसकी जानवरों जैसी शक्ल थी को देखने का दावा करता और वो आदमी उसे बीवेयर यानी सावधान रहने को कहता। इस सब के बर्दाश्त से बाहर जाने पर फैमिली डेविड को एक चर्च में ले जाती है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता तो उनकी आखिरी उम्मीद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरन ही बचते हैं। डेविड की फैमिली के मुताबिक डेविड को सोते वक्त शरीर पर खरोंचे और चोटें लगती थी, उसे अपना गला घुटता हुआ महसूस होता था और कोई अदृश्य चीज उसको सारे घर में इधर उधर एक खिलौने की तरह पटकती थी। डेबी के बुलाने पर आर्न डेविड की मदद करने के लिए उसके घर में रहने लगा। आर्न ने भी ये सब देखा और उसको भी घर के एटिक से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। इसके चलते डेविड और अजीब हरकतें करने लगा, जैसे कि सांप की तरह फुंकारना, अलग अलग आवाजों में बात करना और जॉन मिल्टन की बुक पैराडाइज या द बाइबल के शब्द बोलना उसका आम स्वभाव बन गया था। डेविड की इसी हालत को देखते हुए ही वॉरेंस को बुलाया गया। जब वॉरेंस वहां पर गए तो उन्होंने डेविड को शैतान के कब्जे में होता देखा। लोरेन का कहना था कि जब एड उस लड़के से बात कर रहे थे, लोरेन को उस लड़के के पीछे काला धुआं दिखा, जिससे उसे यकीन हो गया कि वो किसी भयानक चीज के कब्जे में है। लेकिन दूसरी ओर साइकेट्रिस्ट का कहना था डेविड को तो सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी और वो इसी बीमारी के कारण ये सब कुछ कर रहा था। वॉरेंस ने डेविड के ऊपर 3 बार जानबूझ भी की, लेकिन इसी के दौरान डेविड कई बार हवा में लटकने लगा, गालियां देने लगा और दूसरी भाषाएं बोलने लगा। इससे भी भयानक बात तो ये थी कि डेविड ने आर्न के द्वारा किए जाने वाले मर्डर की भविष्यवाणी भी कर दी थी। अक्टूबर 1980 तक ये सब चलता रहा, लेकिन आखिर में आर्न इस सबसे तंग आ गया और उस आत्मा को ललकारने लगा कि वो डेविड को छोड़ दे और हिम्मत है तो उसका सामना करे। उसके ये कहने के बाद डेविड बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन क्या आर्न का ऐसा करना एक बड़ी गलती तो नहीं थी?
16 फरवरी 1981 की दोपहर को अन और उसके मकान मालिक पोनो के बीच में एक झगड़ा होता है। शाम के करीब 6:30 बजे अन अचानक से एक चाकू निकालता है और पोनो की छाती पर कई बार जानलेवा हमला करने के बाद उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। इस घटना के एक घंटे बाद पुलिस अन को खून से लथपथ हुए 4 किलोमीटर दूर एक सड़क से गिरफ्तार करती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ने बताया कि दोनों आपस में अन की फियांसे डेबी की वजह से झगड़ रहे थे और इसी के दौरान अन को अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा और उससे पोनो की हत्या हो गई। लेकिन एड और लोरेन वॉरन के मुताबिक इस कहानी में कुछ और भी था, कुछ भयानक जिसकी पुलिस या किसी आम शख्स ने कल्पना भी नहीं की थी। मर्डर होने से कुछ हफ्ते पहले अन एक कुएं पे गया था। ये वही कुआं था जहां डेबी के भाई डेविड को पहली बार वो बूढ़ा आदमी दिखा था। वॉरेंस ने अन को इस कुएं के करीब जाने से मना किया था लेकिन अन नहीं माना क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि वाकई में डेविड सच बोल रहा है। अन ने वहां जो देखा उसने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। उसके मुताबिक कुएं में एक बेहद भयानक आत्मा छिपी हुई थी जो उस पर हावी हो गई और मर्डर तक अन पर अपना कब्जा जमाए हुए थी। लेकिन पुलिस को इन बातों पर यकीन नहीं था और वो इन्हें सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानती थी। इसी कारण अन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अन के वकील मार्टिन मिनेला ने अपनी दलीलों में ये कहा कि अन बेकसूर है और शैतान ने अन से ये सब करवाया था। इस केस के दौरान मिनेला और वॉरेंस पर काफी बार झूठे और मक्कार होने का इल्जाम लगाया गया। जज रॉबर्ट कैलहान ने अन के दावे को बिल्कुल ही बेतुका और बचकाना बताते हुए कोर्ट में इसे खारिज कर दिया। लेकिन एक बात थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। बोनो के कपड़े कहीं से भी फटे नहीं हुए थे और ना ही कपड़ों पर किसी का खून था। लेकिन कोर्ट में पुख्ता सबूत ना होने की वजह से अन को 24 नवंबर 1981 को 10 से 20 साल की सजा सुनाई गई। परंतु सिर्फ 5 साल की सजा काटने के बाद 1986 में अन को जेल से छोड़ दिया गया। उसने अपनी फियांसे से शादी कर ली और वो दोनों आज भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। डेबी भूतों में यकीन करती है और उसका मानना है कि उस आत्मा को चुनौती देना अन की सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों यही वो कहानी है जो द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट मूवी में दिखाई जाने वाली है। ये फिल्म जून में रिलीज की जाएगी और इसका ट्रेलर आप YouTube पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आप अपने सुझाव कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। बी स्मार्ट।